राजस्थान की आईएएस अधिकारी टीना डाबी को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही टीना डाबी जो अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार टीना डाबी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं, बल्कि इन दिनों वो एक डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। इस वीडियो में टीना डाबी बिहार के जहानाबाद के जिलाधिकारी रिचि पांडे के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अधिकारी रिचि पांडे बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद रफी का गाना गुलाबी आंखें गा रहे हैं। वहीं स्टेज पर मौजूद टीना डाबी इस दौरान उनके इस गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो बेहद खूबसूरत है, जिसमें रिचि पांडे के खूबसूरती के साथ अपने सॉन्ग पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि रिचि पांडे कौन है। रिचि पांडे कोई सिंगर नहीं है, बल्कि रिचि पांडे बिहार कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल रिचि पांडे जहानाबाद के डीएम हैं। इलाके भर में रिचि पांडे की एक कड़क और ईमानदार जिला पदाधिकारी की छवि है। अधिकारी होने के साथ साथ रिचि पांडे को गायकी का भी शौक है, इसलिए अक्सर वो गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। कुछ दिन पहले रिचि पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो ऑफिस में बैठे हुए अपने डिपार्टमेंट के लोगों के सामने हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी गाना गा रहे थे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया था। इस वक्त रिचि पांडे पटना में डीडीसी के पद पर कार्यरत थे। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि टीना डाबी लाल रंग के कुर्ते में दिखाई दे रही हैं और रिचि पांडे उनके बगल में खड़े होकर गाना गा रहे हैं। रिचि पांडे का गाना इन दिनों वायरल हो रहा है। ये वीडियो आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी की फेयरवेल पार्टी का है, जिसमें टीना डाबी रिचि पांडे के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अधिकारी रिचि पांडे बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद रफी का गाना गुलाबी आंखें गा रहे थे। बता दें कि टीना डाबी सोशल मीडिया पर खूब फेमस हैं। उनकी फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ नजर आने वाली टीना डाबी की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनसे मिलने के लिए कई बार सचिवालय तक का सुरक्षा घेरा तोड़ चुके हैं। टीना डाबी अपने लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। उनका यही अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है। टीना डाबी अपने सोशल मीडिया पर अपनी सारी एक्टिविटीज शेयर करती हैं। बता दें कि यूपीएससी टॉपर रही टीना डाबी ने आमिर अथर से तलाक लेने के बाद सीनियर प्रदीप गवांडे के साथ दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी का ऐलान टीना डाबी ने खुद सोशल मीडिया पर किया था। कुछ महीनों पहले प्रदीप गवांडे के साथ हुई दूसरी शादी के बाद से टीना डाबी लगातार चर्चाओं में बनी रहती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।